नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन का। भाग क्रमांक 3 खनिज ऊर्जा संसाधन एवं उद्योग। पहले हम खनिज संसाधन को पढ़ते हैं। खनिज संसाधन है वो निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। इसको हम मुख्यतः दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक है धात्विक खनिज, एक है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु का अंश पाया जाता है। इनको हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लोहयुक्त खनिज जिनमें लोहा अंश की प्रधानता होती है, और दूसरा है अलोहयुक्त खनिज जिनमें लोहा अंश या तो न्यून मात्रा में पाया जाता है या फिर उसका अभाव होता है। और जो दूसरे खनिज है वो है अधात्विक खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। इनको हम कार्बनिक अकार्बनिक दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। कार्बनिक खनिज वे हैं जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, और अकार्बनिक खनिज वे हैं जिनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये जो वर्गीकरण है इसको आपने आपके जो पुस्तक का पहला अध्याय है उसके जो भाग ग है उसमें विस्तारित रूप से पढ़ा है। तो हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो हम पढ़ेंगे जो बिहार का जो वितरण है इन संसाधनों का, सिर्फ हम उनकी बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि खनिज संपदा की उपलब्धता है वो किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास का सूचक होता है। और बिहार में विभाजन के बाद खनिज संपन्न क्षेत्र झारखंड में चला गया और बिहार राज्य खनिज संपदा से लगभग खाली हो गया है। अब यहाँ पे जो है वो देश का लगभग 1% से भी कम है वो खनिज संसाधन भंडार है, जिनमें भी मुख्य खनिज है वो चूना पत्थर है, पायराइट है, और अन्य खनिजों में बॉक्साइट, क्वार्टजाइट, फेल्सपार, मैग्नेटाइट है। अब हम इन प्रकार जो मैंने आपको बताया धात्विक खनिज या धात्विक खनिज इनको थोड़ा पढ़ते हैं। तो जो धात्विक खनिज है उनमें बॉक्साइट, मैग्नेटाइट एवं सोना एस्क है वो महत्वपूर्ण है बिहार में। जिनमें बॉक्साइट का जो बिहार में भंडार है वो 1.5 हजार मीट्रिक टन है, जो गया, जमुई और बांका जिले में मिलता है। मैग्नेटाइट जो है वो 0.59 हजार मीट्रिक टन है और बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता है। और सोना एस का भंडार है 128.88 मीट्रिक टन, जो दक्षिण बिहार के नदियों के बालू के रेत के साथ मिलता है। मैंने यहाँ पे धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज को शॉर्ट में इनमें जो अंतर है वो आपको बताया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और भी क्लैरिफाई हो जाएगी धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज जो है इनमें क्या अंतर है। अब हम अधात्विक खनिज को पढ़ते हैं। अधात्विक खनिज में मुख्यतः चूना पत्थर हूँ पायराइट है, जिनमें चूना पत्थर जो है उसका बिहार में भंडार 210.85 हजार मीट्रिक टन है। ये कैमूर एवं रोहतास जिलों में मिलता है। अभ्रक जो है उसका भंडार 60.35 हजार मीट्रिक टन है और ये नवादा, जमुई और बांका जिले में मिलता है। और बिहार में जो अभ्रक मिलते हैं वो मुख्यतः मस्कोवाइट अभ्रक है। अभ्रक के तीन प्रकार होते हैं, मस्कोवाइट, फ्रोगोफाइट एवं बायोटाइट, जिसमें से मस्कोवाइट जो है वो बहुत ही उच्च कोटि का अभ्रक होता है और इसे बंगाल रूबी के नाम से भी जाना जाता है। यह लाल तांबे के रंग का होता है और इसकी परतें बहुत मोटी होती है। तो बिहार में जो मिलता है वो मस्कोवाइट अभ्रक ही है। और जो डोलोमाइट है उसका बिहार में भंडार 180 हजार टन है। यह कैमूर और रोहतास जिलों में मिलता है। सिलिका सैंड 5.25 हजार मीट्रिक टन इसका भंडार है और मुंगेर जिले में इसकी उपलब्धता है। और जो पायराइट जो है दूसरा मुख्य खनिज है उसका भंडार है 98.79 हजार मीट्रिक टन, और ये रोहतास का अमझोर पहाड़ी प्रसिद्ध और कैमूर जिला है उसमें इसकी उपलब्धता है। और जो अगला खनिज है वो है क्वार्ट्ज, जो एक कीमती पत्थर होता है, जो 10.83 हजार मीट्रिक टन इसकी उपलब्धता है बिहार में, और ये गया, नवादा, मुंगेर, बांका जिलों में मिलता है। फेल्सपार है वो भी कीमती पत्थर होता है, जो 5 हजार मीट्रिक टन इसकी उपलब्धता है, और ये जो बिहार के दक्षिणी जिले हैं उनमें मिलता है। चीनी मिट्टी का भंडार 1.2 लाख मीट्रिक टन है और ये भागलपुर, मुंगेर, बांका जिलों में मिलता है। और जो स्लेट है उसका जो संभावित भंडार है वो लगभग 4 लाख घन मीटर से कुछ अधिक है, और लखीसराय, मुंगेर एवं भागलपुर जिलों में ये मिलता है। और जो बिहार का खनिज है शोरा वो पर्याप्त मात्रा में बिहार में मिलता है। इनमें प्रमुखतः सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना और नालंदा, जहानाबाद और औरंगाबाद जिले प्रमुख है। तो जो अन्य खनिज है बिहार के उनमें मुख्यतः परमाणु खनिज, ईंधन खनिज, बालू और क्ले मिट्टी है। जो परमाणु खनिज है जिसे हम ब्लैक लीड या प्लम्बुक के नाम से भी जानते हैं, यह मुख्य रूप से रीफैक्टरी जो उद्योग होते हैं
उनमें काम में लिया जाता है और ये मुंगेर एवं रोहतास जिलों से प्राप्त होता है। और जो अन्य खनिज है उनमें ईंधन खनिज बालू एवं क्ले मिट्टी है। मैंने यहाँ पे मानचित्र बताया है, आप इन संकेतों से देख सकते हैं कि किस खनिज की कहाँ उपलब्धता है। जैसे हम बात करें शोरा, हमने अभी बात करी कि पर्याप्त मात्रा में बिहार में मिलता है, तो ये आप देखिए शोरा का संकेत और आप इसकी अवस्थिति देख सकते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं जैसे सीमेंस है यहाँ पे, चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी की उपलब्धता यहाँ पे है। पिफो पायराइट जो है उसकी उपलब्धता यहाँ पे है, और ग्रेफाइट यहाँ पे मिलता है। और जो अगर आप इनको विस्तारित रूप में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनकी उपलब्धता इस मैप से देख सकते हैं, जिसमें मैंने जिलेवार खनिज संसाधनों का वितरण समझाया है। तो आप देखिए जो शोरा है वो बहुत सारे बिहार के जिलों में मिलता है, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अर्थात ये पर्याप्त मात्रा में बिहार में पाया जाता है। और जो रोहतास एवं कैमूर जिले हैं वहाँ पे चूना पत्र, डोलोमाइट एंड पायराइट मिलता है। गया में क्वार्ट्ज मिलता है, नवादा में क्वार्ट्ज और अभ्रक मिलता है, जमुई में अभ्रक, बांका में अभ्रक और क्वार्ट्ज दोनों पाए जाते हैं। और जो स्लेट है वो लखीसराय जिले में मिलता है, और मुंगेर में क्वार्ट्ज, सिलिका सैंड एवं चीनी मिट्टी मिलती है, और भागलपुर में चीनी मिट्टी एवं स्लेट मिलती है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखो मैंने यहाँ पे जो ये कैमूर और रोहतास के जो खनिज बताए हैं उनके अंदर इनमें गैप नहीं रखा है, जबकि मैंने चीनी मिट्टी और सिलिका सैंड के बीच में गैप रखा है। ये इस वजह से है कि कैमूर और रोहतास जो है उसमें ये तीनों खनिज पाए जाते हैं, चूना पत्थर, डोलोमाइट और पायराइट। लेकिन मुंगेर में जो है वो चीनी मिट्टी, सिलिका सैंड और क्वार्ट्ज तो पाए जाते हैं, लेकिन भागलपुर में चीनी मिट्टी और स्लेट ही पाई जाती है, सिर्फ सिलिका सैंड नहीं पाई जाती, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा गैप रखा है। तो आप ये जो मानचित्र है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि किस हिस्से में या किस जिले में किसकी प्रधानता है, तो आप इसको मानचित्र से आसानी से समझ लेंगे। आगे हम पढ़ते हैं शक्ति के साधन। बिहार जो है वो शक्ति के साधनों में से किसी भी साधन में संपन्न नहीं है। जो शक्ति के साधन है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है, पहले हम उनकी बात करते हैं। बिहार में इसकी संभावना तो बहुत है, इसके अंदर मुख्यतः आते हैं जल ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये मुख्यतः है, लेकिन अभी तक इनका विकास नहीं हुआ है, तो इनके विकास के ऊपर ध्यान देने की बिहार सरकार को जरूरत है। और जो दूसरे शक्ति के साधन है वो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिनमें भी मुख्यतः तापीय विद्युत जो ऊर्जा है उसका विकास बिहार में अधिक हुआ है। इसमें तीन परियोजनाएं हैं जिनमें कहलगांव है, उसकी स्थापना की गई 1979 में, इसकी उत्पादन क्षमता है 840 मेगावाट। कांटी जो परियोजना है वो मुजफ्फरपुर के निकट स्थित है, इसमें 120 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। और जो बरौनी है उसकी स्थापना की गई थी रूस के सहयोग से 1970 में, और 145 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। इनके अतिरिक्त कुछ प्रस्तावित योजनाएं भी हैं जो बिहार में भविष्य में निर्मित की जाएगी, जिनमें बाढ़ नबी नगर परियोजना प्रमुख है। जो बाढ़ परियोजना है उसके तैयार हो जाने के बाद तो दक्षिण बिहार का जो बिजली संकट है वो लगभग समाप्त हो जाएगा, और ये एनटीपीसी द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है और ये पटना जिले में बन रही है। और जो नबी नगर परियोजना है ये तापी विद्युत परियोजना का निर्माण जो है वो रेलवे और एनटीपीसी के संयुक्त प्रयास से हो रहा है, और इसकी प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है, और यह औरंगाबाद जिले में है। और जो दूसरा शक्ति का साधन है वो है जल विद्युत। तो बिहार में जल विद्युत परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है, और इसके विकास के लिए 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम BHPC, ये मैंने रेड कलर में मार्क करा है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, BHPC के फुल फॉर्म में बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, की स्थापना की गई है ताकि यहाँ पे जल विद्युत का जो उत्पादन है वो बढ़ सके। और इसमें जो परियोजनाएं चलाई गई है वो मुख्यतः है डेहरी रोहतास जिला में स्थित पश्चिमी सोन परियोजना, वारुण पूरी सोन लिंक नहर, वाल्मीकि नगर और कटई परियोजना। और कुछ परियोजनाएं हैं जिन पर भी काम चल रहा है, उनमें मुख्यतः है कलेर, अगनूर बगहा, ओबरा, तेजपुर डेहरी, नासरीगंज और नोखा। अब हम शक्ति के संसाधनों के बाद हम पढ़ते हैं उद्योग को। उद्योग जो है
वो किसी विशेष क्षेत्र में सामान का निर्माण, उत्पादन या वृहद रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय कार्य को कहा जाता है। और इनमें जो मुख्यतः है वो बिहार में कृषि आधारित उद्योग, गैर कृषि आधारित उद्योग ये हैं। तो हम पहले कृषि आधारित उद्योग को पढ़ते हैं। तो अगर हम पहले बिहार के उद्योग की बात करें तो बिहार के जो उद्योग है वो विभाजन के बाद छोटा नागपुर पठार में स्थित है, तो वो झारखंड में चले गए हैं। और अब जो बिहार में जो उद्योग है वो लगभग विलुप्त से हो गए हैं, लेकिन इनकी संभावना यहाँ पे बहुत है, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए जो सभी अनुकूल भौगोलिक दशाएं होती है वो हमारे बिहार में वर्तमान है। और जो कच्चा माल है वो बिहार के पड़ोसी राज्यों में उपलब्ध है, और सभी जो खनन क्षेत्र है वो सुगम रेलों, सड़क मार्गों द्वारा बिहार से जुड़े हुए हैं। इसलिए कच्चे माल की उपलब्धता यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे विकास किया जा सकता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसका न्यू इंग्लैंड राज्य के पास जो है भौगोलिक विकास के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां नहीं थी। इसके बावजूद इस राज्य ने परिश्रम के बल पर और पड़ोस के राज्यों से कच्चा माल प्राप्त करके औद्योगिक विकास का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में जो भिलाई है उसमें स्थापित लोह इस्पात उद्योग के लिए जो कच्चा माल है, विशेष रूप से कोयला, वो पड़ोस के राज्यों से प्राप्त होता है। तो आप उसका डेवलपमेंट देख सकते हैं कि वो उद्योग कितना विकसित हुआ है। तो इस तरह से हमारे बिहार में भी कच्चा माल नहीं होते हुए भी उद्योग अच्छी तरीके से विकसित हो सकते हैं, बस इन पे जरूरत है ध्यान देने की। तो हम पहले पढ़ते हैं कृषि आधारित उद्योग को। इनमें पहले चीनी उद्योग है। तो बिहार के उद्योगों में चीनी उद्योग जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और वस्तु तो इसके साथ कई जो अन्य सहायक उद्योग है उनका विकास भी होता है। और अगर हम क्षेत्र देखें तो बिहार में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, दक्षिणी भाग, ये चीनी उद्योग के लिए प्रमुख है। और जो 11वीं योजना अवधि है, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चीनी उद्योग पर विशेष बल दिया गया है। और जैसे अभी हमने बात की कि जो चीनी उद्योग है सह उद्योगों को भी बल देता है, तो ये इनके में सह उत्पादन जो होते हैं वो होते हैं विद्युत, कागज, छोवा, इथेनॉल का निर्माण। अब आगे पढ़ते हैं जूट उद्योग को। जैसे जब हम कृषि संसाधन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जूट जो है वो बिहार की महत्वपूर्ण फसल है। ये भारत में जूट उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है, पश्चिम बंगाल का पहला है और बिहार का तीसरा स्थान है। तो जूट की फसल बिहार में प्रमुखता से होती है, तो भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग भी है जूट बिहार का। और आजादी के पूर्व जो है पश्चिम बंगाल एवं बिहार में जूट का उद्योग केंद्रित था, लेकिन आजादी के बाद जो है बांग्लादेश में इसका अधिकतर भाग चला गया। और अभी जो है मुख्यतः तीन ही कारखाने हैं जो जूट उद्योग के बिहार में कार्यरत हैं, वो है कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, जिसमें से भी वर्तमान में जो चलन की अवस्था में है वो है कटिहार। अब हम पढ़ते हैं तंबाकू उद्योग। तंबाकू उद्योग के उत्पादन में बिहार का स्थान पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन वर्तमान में घट गया है। और तंबाकू पर आधारित जो बीड़ी तथा सिगरेट के जो कारखाने हैं वो कई जगह पर स्थापित किए गए हैं, जिनमें मुंगेर में इंपेरियल टोबैको दिलावरपुर में स्थित है। और जो बीड़ी उद्योग के लिए जो तेंदू के पत्ते हैं उनकी प्राप्ति है झारखंड के पठारी क्षेत्र से होती है। जो अगला उद्योग है वो है चावल, दाल एवं आटा मिल। जब हम खाद्यान्न फसलें पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि चावल जो है, मतलब धान जो है वो मुख्य खाद्यान्न फसल है बिहार की, और धान को कूट के ही चावल बनाया जाता है। और बिहार के तराई क्षेत्रों में चावल कूटने की अनेक मिले हैं। और अगर हम चावल क्षेत्र की बात करें तो भोजपुर, रोहतास है, पूरी चंपारण में मुख्यतः चावल मिलता है। और जो दलहन है वो गंगा नदी के दोनों तटीय जिलों में मिलता है, जिनमें मुख्यतः बाढ़, मोकामा, बरबीघा, शेखपुरा, पटना एवं बिहार शरीफ है। और बिहार में गेहूं से आटा, मैदा, सूजी एवं दलिया बनाने के भी कई कारखाने विकसित हैं। और यहाँ पे लगभग 2000 आटा की मिले हैं। आटा मिलों में पटना एवं गया महत्वपूर्ण है, और जो अन्य मिले हैं वो भोजपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर जिलों में स्थित है। अब हम पढ़ते हैं तेल मिल उद्योग को। जब हमने तेलहन फसलें पढ़ी थी तब हमने बहुत सारी फसलें पढ़ी थी जिनमें बिहार में जिनसे तेल निकाला जाता है, लेकिन मैंने कहा था कि मुख्यतः चार ऐसी फसलें हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, वो है तीसी, राई, सरसों, सूरजमुखी। और इनका जो विस्तार है वो लगभग पूरे राज्य में है, परंतु पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, मुंगेर और भागलपुर में सबसे अधिक विस्तार है। तो ये हमने पढ़ा कृषि आधारित उद्योग को। अब हम पढ़ेंगे गैर कृषि आधारित उद्योग।
उनमें मुख्यतः है चर्म उद्योग, वस्त्र उद्योग एवं हथकरघा उद्योग। तो जो चर्म उद्योग है, तो बिहार में गाय भैंसों की बड़ी तादाद है और उनके खालों एवं चमड़ों की उच्च गुणवत्ता को देखते हुए चर्म उद्योग के विकास की भारी संभावना है। और ये जो उद्योग है मुख्य रूप से बिहार में कुटीर उद्योग के रूप में विस्तृत है। और इसमें जो मुख्यतः क्षेत्र है वो है बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना, आरा और औरंगाबाद। और जो बिहार में चर्म उद्योग के तीन संगठन है, एक तो है बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम और इसकी जो सहायक इकाइयां हैं फिनिश्ड लेदर लिमिटेड के अंतर्गत स्थापित इकाइयां, और जो दूसरा संगठन है वो मुजफ्फरपुर में स्थित चर्म शोधन कारखाने, और जो तीसरा है वो है मोकामा और पटना के दीघा में बाटा चर्म शोधन निर्माण उद्योग। और जो बिहार का दूसरा गैर कृषि आधारित उद्योग है प्रमुख, वो है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग जो है वो बिहार का एक प्राचीन उद्योग है और इस उद्योग में एक विशेष समुदाय की भागीदारी रही है। यह काम यहाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में होता है। और जो मुख्य क्षेत्र अगर हम देखें तो सूती वस्त्र क्षेत्र के उद्योग में तो है डुमराव, गया, मोकामा, मुंगेर, फुलवारी शरीफ, ओरमांझी और भागलपुर। और अगर हम बात करें रेशमी वस्त्र उद्योग की, तो इसका जो सबसे अधिक विकास है वो भागलपुर में हुआ है और इसके विकास के लिए हथकरघा रेशमी वस्त्र निदेशालय की स्थापना भी की गई है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया एवं दरभंगा में रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। जो बिहार में जो ऊनी वस्त्र उद्योग है वो लगभग नहीं के बराबर है, केवल स्थानीय भेड़ों के ऊन से कंबल आदि का निर्माण होता है। और औरंगाबाद के ओबारा एवं दाऊद नगर क्षेत्र में कंबल और कालीन तैयार किया जाता है। इसके अलावा मुंगेर, मुजफ्फरपुर तथा पटना जिलों में स्थानीय भेड़ों से ऊन प्राप्त किया जाता है। वस्त्र उद्योग के बाद है हथकरघा उद्योग। हथकरघा प्रक्षेत्र राज्य का एक बड़ा औद्योगिक प्रक्षेत्र है और इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो है पटना, गया, भागलपुर, बांका, दरभंगा, अरवल, जहानाबाद और जो आदि यहाँ पे जिले मेंशन किए गए हैं वो जो है हथकरघा उद्योग के मुख्य क्षेत्र हैं। और हथकरघा उद्योग को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें मुख्यतः है मेला में प्रदर्शनी, टेक्सटाइल पार्क, हैंडलूम पार्क, हैंडलूम क्लस्टर योजना, जूट पार्क, वर्कशॉप एंड सेमिनार योजना। और जो हथकरघा के जो बुनकर हैं उनके लिए भी हथकरघा आधुनिकीकरण योजना, विद्युतकरघा के लिए जनरेटर की उपलब्धता और बुनकरों को आधुनिक प्रशिक्षण की योजनाएं भी चलाई जा रही है, जिससे हथकरघा उद्योग का विकास हो सके। अब हम पढ़ते हैं खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग के लिए जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है वो चूना पत्थर, जो हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था कि बिहार में चूना पत्थर को चूटा से पाया जाता है। तो साधारणतः 1 टन जो सीमेंट की अगर हम बात करें तो उसको बनाने के लिए 2.02 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और राज्य में कैमूर की पहाड़ियों से चूना पत्थर का खनन किया जाता है और बिहार में संपूर्ण देश का लगभग 5% चूना पत्थर प्राप्त होता है। और जो सीमेंट के लिए यही कच्चा माल है। और जो सीमेंट उद्योग है वो रोहतास जिले में डेहरी ओनसोन के पास डालमिया नगर में अवस्थित है। जो रासायनिक उद्योग है तो अम्ल, क्षार एवं उर्वरक जो है वो रासायनिक उद्योग में भारी वस्तुओं के उद्योग है। और बिहार में उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना है वो बरौनी में स्थित है, जिसे हम हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स उद्योग कहते हैं। और बरौनी पेट्रोकेमिकल से मैदा भी प्राप्त किया जाता है। और जो रंग, वार्निश, तेल, साबुन, दवाएं, हल्के रंग के रासायनिक वस्तुएं भी बिहार में तैयार की जाती है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है वो है कांच उद्योग। यह उद्योग यहाँ का प्राचीन उद्योग है और यहाँ पहले कांच की चूड़िया बनाई जाती थी। अब औषधि निर्माण के विकास के साथ कांच उद्योग का विकास हुआ है, जैसे उसके लिए औषधि के लिए शीशी बोतल बनाते हैं तथा अन्य कार्य के लिए बालू, सिलिका, सोडा, एरेस, चूना पत्थर, सोडियम सल्फेट आदि जो होते हैं वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ जो कांच का जो उत्पादन किया जाता है वो मुख्यतः पटना, हाजीपुर, दरभंगा और भागलपुर जिलों में होता है। इन खनिज आधारित उद्योगों के अतिरिक्त बिहार में कुछ अन्य प्रमुख उद्योग भी हैं। उनमें है वन पदार्थों पर आधारित उद्योग, जिनमें लकड़ी, कागज, लुगदी एवं लाख उद्योग प्रमुख है। और बिहार में पर्यटन उद्योग भी प्रमुखता से है कि अभी तो वैसे पर्यटन उद्योग में इतनी संभावना, अब इतना विकास नहीं हुआ है, लेकिन निकट भविष्य में इसमें उभरने की क्षमता है, क्योंकि बिहार में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो बिहार के स्मारक एवं खंडरों को है ना ख्याति प्राप्त है। और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक स्थलें, प्राकृतिक
प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो पूरे संसार के लोगों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। तो बिहार के पर्यटन मानचित्र में मोद मठ मंदिर, जैन मंदिर, सिखों के गुरुद्वारे, सूफी संतों की दरगाहें मौजूद है। इन पर्यटन स्थलों में राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, बोधगया, नालंदा, पटना साहिब, सोनपुर, सासाराम, मनेर, बिहार शरीफ जैसे अनेक स्थान प्रसिद्ध है। तो बिहार में इस उद्योग पर अभी तक तो विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, फिर भी यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो निकट भविष्य में इसके विकास की संभावना है। और जो अन्य उद्योग है उनमें तेल शोधन कारखाना, पेट्रोल रसायन उद्योग, कीटनाशक उद्योग एवं प्लास्टिक उद्योग प्रमुख है। अब हम बात करते हैं बिहार में जो हमने उद्योगों को पढ़ा उनकी जिलेवार जो स्थिति है हम उनकी बात करते हैं। तो आपको ये मैप देख के कुछ याद आया होगा कि मैंने कृषि संसाधन जब आपको पढ़ाया था तब भी मैंने यही मैप लिया था। अभी जब हमने खनिजों का वितरण देखा तब भी हमने इसी मैप पर बात की। बस उस उनमें और इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे मैंने जो वितरण है उसको मेंशन नहीं करा है, क्योंकि ये एक्सरसाइज है आपके लिए कि जो ये मानचित्र है पहले आप इनकी आउटर बाउंड्री जो है आप इसको ड्रॉ करेंगे। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ही ड्रॉ हो, लेकिन कुछ इससे मिलती जुलती तो आप ड्रॉ करने का प्रयास कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप बना बिहार रहे हो और दिखने में वो राजस्थान लगे। तो आप इसको पहले आउटर बाउंड्री को ड्रॉ कीजिएगा, उसके बाद जो ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है जिले की जो सीमाएं हैं आप उनको बनाने के बाद में इन जिलों का नाम लिखिएगा। उसके बाद जो मैंने अभी आपको वितरण बताया उद्योगों का उनको उसको पढ़िएगा आप, और आपकी पुस्तक में वितरण दिया गया है आप उसको पढ़ के और उन उद्योगों की अवस्थिति इन जिलों में आप मेंशन कीजिएगा। आपने ये आपको इसलिए करना है कि आपने सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं उससे ज्यादा अगर हम उसको लिखते हैं तो हमें अच्छे से याद होता है। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि अगर आप लिखने के साथ साथ उस पर 2 मिनट के लिए उसको सोचते समझते हैं, विचार करते हैं, तो आप उसको और भी ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं। तो जब आप ये मानचित्र बनाएंगे तो एक तो आपको बिहार के जिलों की अवस्थिति याद हो जाएगी, बिहार का मानचित्र आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि हम जो भी वीडियो लेसन पढ़ रहे हैं उसके अंदर आप देखते होंगे कि मानचित्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हम जो भी चीज पढ़ रहे होते हैं वो इसी के संदर्भ में पढ़ रहे होते हैं। तो आपको अगर ये पता रहेगा कि बिहार में कौन से जिले की स्थिति कहाँ पे है तो आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और आप बिहार को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर एक जनरल पेपर होता है वो हमारे राज्य का ही होता है, तो इसलिए आपको बिहार का जो बेसिक नॉलेज है वो होना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि हम तो अभी कक्षा 10 में ही है, अभी से कहाँ हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो तो क्लास 6 7 से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लग जाते हैं, जबकि सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है ग्रेजुएशन के बाद में। तो अगर हमें इस दौड़ती भागती जिंदगी के साथ में तालमेल बिठाना है, हमें सक्सेस होना है, तो हमें अभी से उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और ये एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो स्मार्ट वर्क है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ कि आप टीवी देखते होंगे, टीवी में एक एड आता है कि एक बच्चे के पास में इतने सारे फ्रूट्स ला के रखे जाते हैं, हाँ, तो वो उनको नहीं खा पाता है, फिर उसको एक एनर्जी ड्रिंक दी जाती है तो वो उसको अच्छे से पी जाता है, ठीक है। फिर वो अपने मम्मा को कहता है कि मम्मा आप देखिए ये हार्ड वर्क की जगह आप स्मार्ट वर्क करना सीखिए। वो कहता है तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको फ्रूट्स नहीं खाना है, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप जो हार्ड वर्क कर उसके साथ में स्मार्ट वर्क करना सिखाएंगे तो आपकी समय की भी बचत होगी और आपकी मेहनत भी कम लगेगी। जैसे अगर हम जो ये मैंने उद्योगों का वितरण बताया, अगर हम मैं अभी आपसे पूछूं तो आपको याद नहीं होगा कि कौन से उद्योग किस जिले में अवस्थित इनकी ज्यादा है, लेकिन अगर मैं आपको ये मैप दिखाती हूँ जिनमें मैं उनके उत्तरण वितरण मेंशन करूं, उसको मैं आपको समझाऊं और फिर मैं 5 मिनट बाद में आपको पूछूं, तो कुछ चीजें तो ऐसी होगी जो आपको हो चुकी होगी। तो इसलिए आप जो भी पढ़ें वैसे मानचित्र से उनकी अवस्थिति याद करके पढ़ें, और फिर जब आप ये उद्योगों का वितरण का मानचित्र बना लेंगे इसके बाद में आप जो कृषि संसाधन वाला मानचित्र है और जो खनिज संसाधन वाला मानचित्र है और ये वाला मानचित्र है आप इनको कंपेयर करके भी पढ़ सकते हैं कि बिहार का कौन सा हिस्सा है जहाँ पे उद्योगों की प्रधानता है, कहाँ कृषि संसाधन में समृद्ध है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप ये एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि बिहार का जो है वो उद्योग में पिछड़ेपन का क्या कारण है। मुख्यतः यहाँ पे मैंने 4 कारण मेंशन करे हैं। उनमें पहला है कच्चे माल की कमी,
जो कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ न सिर्फ खनिजों का अभाव है, वरन गन्ना और जूट के अंतर्गत जो कृषि क्षेत्र है उसमें कमी आने के कारण इसके कच्चे माल की भी कमी है, अतः इनसे संबंधित अनेक कारखाने बंद हो गए हैं। तो कच्चे माल की कमी के कारण बहुत सारे कारखाने बंद हो गए हैं। दूसरी जो समस्या है वो संरचनात्मक सुविधाओं की कमी है। जो बेसिक होता है उद्योगों के लिए, परिवहन, ऊर्जा, भंडारण और बाजार, उनकी बिहार में कमी है, जिससे उद्योगों का विकास सही तरह से नहीं हो पाता है। और जो तीसरी समस्या है वो है पूंजी और तकनीकी की कमी। पूंजी और तकनीकी की कमी के कारण जो सीमेंट उद्योग और बरौनी की अनेक जो इकाइयां है वो लगभग बंद हो गई है। और जो चौथी समस्या है वो विदेशी निवेश की समस्या है। वैसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि विदेशों से निवेश होता है, लेकिन जो निवेश हो रहा है उनकी जो रुचि है वो उपभोक्ता उद्योगों में रुचि है, जबकि आधारभूत उद्योगों में कोई रुचि नहीं है। और जो आंतरिक पूंजी है उसकी उसका भी जो यूज है वो मूलतः हॉस्पिटल है उद्योगों में किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो पूंजी है उसका सही तरीके से निवेश करने की आवश्यकता है, जिससे बिहार के लोगों को अधिक रोजगार मिले और बिहार के जो उद्योग हैं उनका विकास हो। आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम परिवहन, जनसंख्या एवं नगरीकरण को पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और जो एक्सरसाइज है वो आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू।